बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग सर्वे कर रहे हैं रेप्टाइल्स का, जिसमें दो ऑर्डर हम कल डिस्कस कर चुके थे, जिसमें पहला टेस्टिड्यून्स या चिलोनिया, जिसमें हमने सारे टर्टल्स डिस्कस कर लिए हैं, और सेकंड है ऑर्डर रिकोसिफेलिया, ठीक है, जिसको टोटोरास कहते हैं, जिसकी एक ही लिविंग स्पीशीज न्यूजीलैंड में, कल वो भी डिस्कस कर लिया था। आज हम देखेंगे बेटे ऑर्डर स्कोमेटा, ठीक है। ऑर्डर स्कोमेटा जो है आपके पास बेसिकली इसके, अगर इसको ब्रेक किया जाए इसके वर्ड को, तो लेटिन वर्ड है जो कि दो वर्ड्स के मुश्तमिल है। एक है स्क्वामा यानी स्केल्स, और एटा मीन टू बियर। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें स्केल्स होते हैं, ठीक है, उनको मज़ीद तीन सब ऑर्डर्स में डिवाइड कर देते हैं। और इनके जो एंसेस्टर्स हैं वो लेपिडोसॉर लिनियज कंसिडर होती है, जो कि 150 मिलियन ईयर्स अगो पहले डाइवर्ज हुए थे इनटू मॉडर्न फॉर्म्स। तो इसकी तीन ऑर्डर्स हैं। पहला ऑर्डर जो है सब ऑर्डर सॉरिया, जिसको हम लिजर्ड भी कहते हैं, ठीक है। तकरीबन इसकी 3,300 स्पीशीज़ हैं, और आपके पास स्नैक्स और लिजर्ड्स जो हैं, अगर उनमें फ़र्क देखा जाए बुनियादी तौर पे, तो बेसिकली आपके पास लिजर्ड्स के अंदर 2 पेयर ऑफ लेग्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा स्नैक्स के अंदर आपके पास कोई लेग्स नहीं होती, यू नो दैट। और सेकंड जो बात है जिससे ये स्नैक से मुख्तलिफ है, कि इनका जो अपर और लोअर जॉ होता है वो यूनाइट होता है एंटीरियरली, ठीक है, अपर और लोअर जॉ यूनाइट होते हैं एंटीरियरली। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि कुछ आपके पास ऐसी लिजर्ड्स भी होती हैं जो लेगलेस होती हैं, ठीक है, लेकिन उनके अंदर जो रेमनेंट्स होते हैं पेक्टोरल गर्डल के और स्टर्नम के मौजूद होते हैं, ख़त्म नहीं होते, ठीक है। और लिजर्ड्स जो हैं उनकी अगर साइज़ की बात करें तो कुछ सेंटीमीटर से लेके 3 मीटर तक भी लंबी हो सकती हैं। और लिजर्ड्स जो होती हैं वो मोस्टली सरफेस के ऊपर रहती हैं, लेकिन इसके अलावा ये अपनी जाय पना रॉक्स के अंदर और लकड़ी के नीचे वगैरह भी रख सकती हैं। और कुछ जो हैं वो बर्रोवर्स भी हैं, यानी खुदाई करके भी रहती हैं ज़मीन में, और कुछ हमेशा दरख्तों पर रहती हैं, ठीक है। तो लिजर्ड्स जो हैं, अब वो अगर देखी जाए रिप्रोडक्शन के हवाले से बात की जाए, तो आपके पास ये ओवी पैरस होती हैं मोस्टली, ठीक है, और कुछ जो हैं ओवो वीवी पैरस भी हो सकती हैं, वीवी पैरस, लेकिन अगर मोस्ट ऑफ द रूल की बात करें तो ज़्यादातर ये ओवी पैरस होती हैं। और एग्स जो हैं ये अंडर द रॉक्स और डेब्रिस वगैरह में ही, बरोज वगैरह में ही देती हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हम गेको को देखेंगे और इग्वाना, ठीक है, गेकोस और इग्वाना। तो गेको को देखते हैं पहले। ये कॉमनली बेटे आपके पास फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ द ह्यूमन डिवेलिंग या सेमी ट्रॉपिकल एरियाज में पाई जाती हैं। छोटा होता है इनका साइज़ और थोड़ी सी मोटी होती हैं, स्टाउट, और नॉक्टर्नल रात को निकलती हैं, और बाकी छिपकलियों की नस्बत, बाकी लिजर्ड्स की नस्बत जो है इनके अंदर क्लिकिंग वोकलाइजेशन यानी आवाज़ पैदा करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है। और इनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, जिसमें एक पीपल होती है पुतली, जो कि आपके पास एक स्लिट की फॉर्म में पतली सी दिन की रोशनी में रहती है, रात के टाइम बहुत मोटी बड़ी हो जाती है, तो जिसकी वजह से ये नाइट विजन रात को भी देख सकती हैं। और चूँकि दरख्तों पर रहती हैं, दीवारों पर चलती हैं, तो इसकी वजह से इनके पास इनकी उंगलियों के ऊपर एडहेसिव डिस्क भी होती हैं चिपकने वाली, जिसकी मदद से ईजीली ये आराम से क्लिंगिंग कर सकती हैं, ठीक है जी। तो बेटे ये छिपकलियों की डिफरेंट टाइप्स अब हो रही हैं डिस्कस, ठीक है, अब आपने नोट डाउन करना है। ये कॉमन वॉल लिजर्ड्स का जिक्र नहीं है यहाँ पे, जेको सॉरी गेको का जिक्र है। गेको इज़ अ फॉर्म ऑफ अ लिजर्ड, ठीक है, इट्स नॉट अ कॉमन लिजर्ड। अब आगे चलते हैं इग्वाना। इग्वाना भी लिजर्ड की एक फॉर्म है, ठीक है, एग्जाम्पल है। ये रोबस्ट बॉडीज होती हैं, यानी स्ट्रॉन्ग स्टिफ सख्त जिसम होता है इनका, गर्दन बहुत छोटी होती है, और आपके पास डिस्टिंग का प्रॉपरली एक डिस्टिंग तरह का, बाकी छिपने से मुख्तलिफ तरह का हेड होता है। और ज़्यादातर इसमें एग्जाम्पल जो है मरीन इग्वाना, जो कि गैलापागोस आइलैंड से पाई जाती हैं, या फिर फ्लाइंग ड्रैगन्स, ड्रैको जो है साउथ ईस्ट एशिया में है, और ये जो ड्रैगन फ्लाइंग ड्रैगन जिनको हम कहते हैं उड़ती हुई छिपकलियाँ जो हैं, इसके अंदर क्या होती है, स्किन की फोल्ड्स होती हैं जो कि रिब्स के साथ, पसली के साथ अटैच होती हैं। और जब ये किसी दरख्त के ऊपर छलांग मारती हैं तो ये अपने मतलब ये फैला लेती हैं इसी को, स्किन को, और लग रहा होता है जैसे वो उड़ के आ रही हैं, ठीक है, ग्लाइडिंग सर्फिस बन जाता है इनका। और अगर एक किसी दरख्त से इस तरीके से छलांग लगाएँ तो तकरीबन 30 मीटर से लंबी ग्लाइड ये लगा सकती हैं, ठीक है। और इन्हीं इग्वानास का एक और ग्रुप जो है वो कैमेलियंस यानी कि गिरगिट कहलाता है, ठीक है, जो कि मोस्टली अफ्रीका और इंडिया में रहते हैं। और आपको पता ना गिरगिट रंग तब्दील कर लेता है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली, अपना कैमोफ्लेज कर लेता है। और कैमेलियंस जो हैं वो ज़्यादातर एडॉप्ट ने किया हुआ अर्बोरियल लाइफ स्टाइल, अर्बोरियल लाइफ स्टाइल मीन दरख्तों पर रहते हैं, और दरख्तों पर रहने के साथ साथ इनकी एक लॉन्ग स्टिकी टंग होती है, जिसकी मदद से ये इंसेक्ट्स वगैरह और जो अपनी प्रे होती है उसको शिकार कर लेते हैं। और एक एक स्पीशी का जिक्र है एनोलिस, ठीक है, एनोलिस जिसको हम पेट स्टोर कैमेलियन भी कहते हैं। ये इग्वानेट तो है बट इट्स नॉट अ ट्रू कैमेलियन, ठीक है,
और कैमेलियंस या एनोलिस जो होती हैं, ये दोनों ही अपनी रंग तब्दील करने की खूबी की वजह से जानी जाती हैं, ठीक है। और ये रंग कब कब तब्दील करती हैं? तीन सिचुएशंस में, जब इल्यूमिनेशन यानी रोशनी वगैरह पड़े डिफरेंट, और टेम्परेचर भी चेंज हो तब भी, और साथ में इनका मूड पे भी डिपेंड करता है, अपने मूड के अकॉर्डिंगली भी ये कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब एक और आपको बताती चलूँ इसी के अंदर एग्जाम्पल में, आपके पास विनोमिस डेजर्ट्स का अगर जिक्र किया जाए तो गीला मॉन्स्टर, हेलोडर्मा सस्पेक्टम जो है इसके अंदर शामिल है। एक और भी है आपके पास मैक्सिकन हेडेड लिजर्ड, जिसको हम हेलोडर्मा हॉरिडम कहते हैं, और दोनों ये आपके पास हैवीली बॉडीड लिजर्ड है, यानी बहुत बड़ी बड़ी बॉडीज होती हैं इनकी, और मोस्टली ये साउथ वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका के अंदर पाई जाती हैं। इनका जो जहर होता है वो ग्रूव्स के अंदर रिलीज होता है और वहाँ से ये सरफेस ऑफ द टीथ के ऊपर आता है, और जैसे ये चबाती हैं किसी भी या बाइट करती हैं किसी अपने प्रे वगैरह को, तो उन दांतों के ज़रिए फिर ये जहर उसमें मुंतकिल कर देती हैं। लेकिन इसकी जो बाइट्स हैं वो इंसानी जान के लिए कमोबेश ही मौत का बायस बनी है, इतनी ज़्यादा इसकी रिपोर्ट्स अभी तक नहीं है, ठीक है, मतलब उसकी बाइट की बात की जा रही है। तो इसकी एग्जांपल्स आप थोड़ी सी उनकी फिगर से एलैबोरेशन कर दूंगी जी। बेटे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गेको है, ठीक है, गेको गेको साउथ ईस्ट एशिया में है, और इसकी ट्रू वॉइस होती है, ठीक है, और टुके टुके जो है ना इसकी कॉल है, जिसकी वजह से टुके गेको गेको इसको बोलते हैं, तो ये आपको कुछ इस तरह की नज़र आ रही है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसकी आईज जो हैं ये अब स्लिट लाइक है, रोशनी में रात को ये फैल जाती है, इसमें से नाइट विजन होती है, ठीक है, और यहाँ पे इसकी जो डिजिट्स वगैरह हैं उसकी टिप्स पे आपको नीचे की तरफ एडहेसिव पैड्स मिलेंगे, जो कि इसको मूवमेंट में और क्लिंगिंग में लटकने में हेल्प आउट करते हैं। तो दिस इज द गेको जी। तो बेटे इस फिगर के अंदर आप देख सकते हैं ये मरीन इगुआना जो है आपके पास नज़र आ रहा है आपको, एम्ब्लिरिंकस क्रिस्टेटस, गैलापागोस आइलैंड में ये पाया जाता है मोस्टली, ठीक है। अब इसकी आप देखें हेड इसका डिस्टिंक्ट है, ठीक है, और बॉडी भी इसकी स्ट्रॉन्ग बिल्ड है, तो ये आपको इगुआनास की कुछ इस तरह की शेप नज़र आएगी। और इस फिगर में आप देख सकते हैं गीला मॉन्स्टर, ठीक है, हेलोडर्मा सस्पेक्ट्रम, जी यहाँ पर भी आपको कैमेलियन दिखाया गया, ठीक है। अब देख लें इसकी कितनी जो लंबी सी जुबान है उसकी मदद से ये अपना फूड ग्रैब कर रहा है। और यहाँ पर एक और फिगर दिखाई जा रही है एक और एंगल से, आप देख सकते हैं, ठीक है, कैमेलियन कैमेलियो कैमेलियन using his long tongue to capture the prey, ठीक है, और टेल आप देख सकते हैं ये हेल्प कर रही है इसको, ठीक है, ये इसकी बैक साइड की जो लिम्स हैं हाइंड लिम्स, और ये आप देखें फ्रंट साइड तो इसका फ्री है और ये लॉन्ग टंग है, इसकी मदद से ये ईजीली अपने प्रे को कैप्चर कर सकता है। चलते हैं बेटे नेक्स्ट सब ऑर्डर की तरफ जी। तो बेटे अब हम नेक्स्ट ऑर्डर की तरफ चलेंगे, दैट इज़ सब ऑर्डर सर्पेंटीन, जिसमें स्नैक्स आ जाते हैं, ठीक है। अबाउट 2300 स्पीशीज़ इसकी हैं मौजूद अभी तक, और जो वास्ट मेजोरिटी है स्नैक्स की हमारे पास वो डेंजरस नहीं है, ठीक है, ह्यूमंस के लिए ज़्यादातर डेंजरस नहीं है, यानी कि और ये 2300 में से 2000 डेंजरस नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास जो 300 हैं वो आपके पास ऐसी स्पीशीज़ हैं जो विनोमिस हैं, यानी कि जो डेंजरस हो सकती हैं, पॉइजनस हो सकती हैं। दुनिया में अगर देखा जाए तो 30,000 to 40,000 लोग हर साल एनुअली मरते हैं सांप के काटने से, और ज़्यादातर ये साउथ ईस्ट एशिया में होता है। US में अगर देखा जाए तो वहाँ पे तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग भी नहीं होंगे जो कि पूरे साल में सांप काटने से डसने से मर जाते होंगे। अब स्नैक्स की बॉडी की तरफ देख लेते हैं। स्नैक्स जो बेटे होते हैं ये आपके पास इलॉन्गेटेड फॉर्म में होते हैं, इनकी लिम्ब्स नहीं होती, कुछ के अंदर वेस्टिजियल पेल्विक गर्डल्स या अपेंडिजेस वगैरह प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एज अ रेमनेंट्स, ठीक है। और फिर इसके अलावा स्केलेटन्स जो हैं आपके पास अच्छा
अच्छा जी, फिर उसके बाद आपको बता रहे हैं स्केलेटन जो इसका होता है उसके अंदर आपके पास 200 या उससे ज़्यादा तक के मोहरे या वर्टिब्रा मौजूद हो सकता है वर्टिब्रा, और साथ में उतने ही पेयर्स ऑफ रिब्स भी मौजूद होते हैं। और जो जॉइंट्स होते हैं इसके वो इतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं जिसकी वजह से सांप की बॉडी जो है ना बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। वर्टिब्रा के जो जॉइंट्स होते हैं उस स्पेशली इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, स्नेक्स जो है उनका जो स्कल होता है वो इस तरह का होता है कि फैसिलिटेट करता है स्वेलोइंग को, ठीक है। वो बहुत बड़े से बड़ा जो शिकार आराम से वो स्वेलो कर जाते हैं। होता क्या है कि इनके जो अपर जॉज हैं वो मूवेबल होते हैं, ठीक है, स्कल तक, और साथ में इनके जो लोअर जॉज हैं, अपर एंड लोअर जॉज, वो लूजली जॉइंटेड होते हैं एक दूसरे के साथ, जिसकी वजह से वो इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं। यही वजह है कि जब सांप बड़े से बड़ा भी जब किसी भी अपनी प्रे को कैप्चर करेगा तो वो इसका माउथ काफ़ी वाइडली ओपन हो जाएगा। मैं अभी आपको एट द एंड ऑफ दिस बॉर्डर मैं आपको उसकी फिगर भी दिखा दूंगी। देन आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो है आपके पास कुछ और डिफरेंसेस जो हैं लिजर्ड और स्नेक के, उसमें एक आ जाता है मैकेनिज्म ऑफ फोकसिंग आईज एंड द मोर्फोलॉजी ऑफ रेटिना, यानी आईज के अंदर भी फोकसिंग और रेटिना की जो मोर्फोलॉजी है, शेप है, वो भी डिफर करती है स्नेक और लिजर्ड्स के अंदर। बाकी जो दो डिफरेंसेस थे वो मैंने आपको पिछले वाले बॉर्डर में पढ़ा दिए थे। अब हम देख लेते हैं कि एलोंगेशन जो होती है, सांप की बॉडी जो मूव करती है तो एलोंगेट होती है या नैरो डाउन होती है, तो इसके नतीजे में इसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं या तो वो डिस्प्लेस हो गए हैं या वो रिड्यूस हो गए हैं। जैसे कि इसका जो लेफ़्ट लंग है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया या रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। और इसके अलावा जो डिस्प्लेसमेंट जिन ऑर्गन्स की हुई है उसमें गॉल ब्लैडर, पित्ता, ठीक है, राइट किडनी एंड ऑफन गुनेड्स जो है ना काफ़ी डिस्प्लेस हो गए क्योंकि ये मूव करते हैं और लंबूतरे से इनकी बॉडी होती है, तो उनकी शॉर्ट बॉडी बहुत ज़्यादा शॉर्ट होने की वजह से ये सारी इसके ऑर्गन जो हैं कुछ रिड्यूस हो गए हैं, कुछ ख़त्म हो गए हैं, ठीक है, और दूसरे कुछ डिस्प्लेस यानी अपनी जगह से हट गए हैं। स्नेक्स जो हैं ये ओवीपैरस होते हैं, ठीक है, और कुछ जो हैं जैसे कि न्यू वर्ल्ड बोआज या फिर गार्टर स्नेक्स वगैरह, ये बच्चों को भी पैदा करते हैं। अब अगर इनके फॉसिल्स की बात करते हैं तो ये काफ़ी अरसा पहले जो है आपके पास इनका एवोल्यूशन हुआ था स्नेक्स का। हम साइंटिस्ट इसके बारे में डिबेट करते हैं कि इनका एवोल्यूशन एग्जैक्ट कब हुआ, लेकिन 135 मिलियन ईयर्स अगो पहले जो है ना आपके पास उनके जो डिपॉजिट्स हैं उसमें कहा जाता है कि इनके फॉसिल्स एग्जिस्ट करते थे। और कुछ जोलॉजिस्ट जो हैं वो बिलीव करते हैं कि अर्लीस्ट स्नेक्स जो हैं वो बरोअर्स थे, और लॉस ऑफ अपेंडिजेस और इनके आई स्ट्रक्चर की जो चेंजेस हैं वो इस बात की डिपिक्शन करती हैं कि बिल्कुल सिमिलर हैं विद दैट ऑफ सिसिलियंस, कि उनमें भी अपेंडिजेस नहीं है और उनकी आईज का स्ट्रक्चर भी वेरी करता है। और आपके पास जो लॉस ऑफ लेग्स हैं वो आपके पास पॉसिबली ये बता सकते हैं कि अर्ली जो स्नेक्स थे वो या तो एक्वेटिक थे या फिर वो किसी ऐसी वेजिटेशन, डेंस वेजिटेशन जो आपस में टैंगल थी बहुत ज़्यादा, उसके अंदर रहते थे, जिसकी वजह से इनको लिम्स की इतनी ज़रूरत पेश नहीं आती थी। नेक्स्ट बेटे देख लेते हैं सब ऑर्डर एम्फीसबीनिया, दैट इज़ वॉर्म लिजर्ड्स। तकरीबन इसकी 135 स्पीशीज़ मौजूद हैं, 135 स्पीशीज़। और ये जो सब ऑर्डर है एम्फीसबीनिया ये आपके पास स्पेशलाइज्ड है फॉर इट्स बरोइंग, ठीक है। और एम्फी मीन ड्वेल या टू, बीना मीन वॉक। अब इससे नाम ज़्यादा होता है, ये आगे पीछे फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरीके से ये मूव कर सकता है, इसी वजह से इसका नाम भी एम्फीसबीना रखा गया है। और मोस्टली ये बरोवर्स हैं जो कि पाए जाते हैं बेटे अफ्रीका की सॉइल के अंदर और साउथ अमेरिका और कैरिबियन या फिर आपको मिड ईस्ट में मिलेंगे, और ज़्यादातर लेगलेस होते हैं, उनकी टांगें नहीं होती हैं। स्कल जो इनका है वो वेज शेप जैसे पाना सा होता है उस शेप का, या फिर शॉवल शेप यानी जैसे खोदने वाला जैसे शॉवल होता है उस शेप का होगा, इसकी वजह से आराम से खोद लेते हैं। और एक इनमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक सिंगल मीडियन दांत मौजूद होता है इनमें जो कि अपर जॉ में होता है, जो कि एम्फीसिबिनियंस को बाकी तमाम वर्टिब्रेट्स हैं उनसे मुमताज़ करता है, अलग करता है, ठीक है, ये एक ख़ास बात है। स्किन जो इसकी होती है वो आपके पास रिंग लाइक फोल्ड्स की होती हैं, जिसको हम एनुलाई कहते हैं, वो मौजूद होती हैं। वो किस वजह से होती है कि लूजली अटैच होती है स्किन इसकी बॉडी वॉल के साथ, जिसकी वजह से वो ऐसे लगता है कि एनुलाई बनी हुई है, ठीक है। और जो मसल्स इसके स्किन के होते हैं वो आपके पास टेलीस्कोप या बल्जिंग आउट मूवमेंट करवाते हैं, जिसकी वजह से
और एक एंकर सा बना देते हैं बरो वॉल के अंदर, जिसकी वजह से ये इजीली मूव कर सकते हैं बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड। इसी वजह से इस वाटर का नाम भी यही पड़ा है सब वाटर का। और ये ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म फीड करते हैं ऑन वॉर्म्स एंड स्मॉल इंसेक्ट्स, और ये ओवी पैरस होते हैं, दे ले एग्स। जी तो इस फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पे स्नेक का जो भी हमने हेड का जिक्र किया था, ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि इसका जो माउथ है वो कितना वाइडली ओपन हो सकता है। इंडिविजुअल इसके जो आपके पास हैं जॉज वो इंडिविजुअली मूव करते हैं, और ये आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा जो है ना प्रे को आराम से फीड कर सकता है, इसी वजह से जो अभी हमने स्कल की अडेप्टेशंस पढ़ी थी। और इस फिगर के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसका जो ये शोवल टाइप इसका जो ये हेड है, ठीक है, ये इसको मूवमेंट में हेल्प करा रहा है, ठीक है, ज़मीन से बरो करने में इसको हेल्प आउट करा रहा है एम्फीसबीना को, ठीक है जी। यहाँ पे बेटे एक और फिगर आप देख सकते हैं 20.9, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है एक वॉर्म लिजर्ड, ठीक है, एम्फीसबीना एल्बा, और इसको समटाइम टू हेडेड स्नैक भी कहते हैं। यहाँ पे इसका जो हेड आप देख सकते हैं ये बिल्कुल वैसे ही शोवल शेप है, ठीक है, जिसकी मदद से ये खुदाई का काम करती है, बोरो करती है ज़मीन के अंदर। अब हम आते हैं बेटे नेक्स्ट ऑर्डर की तरफ, इसी के साथ आपका स्कोमेटा कवर हो जाता है, इसके तीनों सब ऑर्डर्स भी हम लोगों ने देख लिए हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपने लास्ट ऑर्डर की तरफ। जी तो ऑर्डर है हमारे पास क्रोकोडिलिया, ठीक है, क्रोकोडिलिया ऑर्डर जो है आपके पास इसमें तकरीबन 21 स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं, और डायनासोर्स के साथ क्रोकोडिलियंस भी डराइव हुए थे आर्कियोसॉरस से, और बाकी जो हैं रेप्टाइल से इनके अपने स्कल के करेक्टरिस्टिक्स की वजह से डिफरेंसेस हैं। अब वो स्कल के कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं, एक तो इनका जो स्कल है वो ओपन होता है, सॉरी ओपनिंग्स जो स्कल की हैं वो इन फ्रंट ऑफ द आईज, ठीक है, ओपनिंग्स इन द स्कल इन फ्रंट ऑफ द आईज जो हैं वो आपके पास ट्राइंगुलर हैं एज़ कम्पेयर टू क्या कहते हैं उसको, सर्कुलर होने की नस्बत ट्राइंगुलर हैं, नंबर वन। नंबर टू जो इनके अंदर चीज़ है दैट इज़ लेटरली कंप्रेस्ड टीथ, ठीक है, और फिर इसके अलावा आपके पास लिविंग अगर स्पीशीज़ की जिक्र किया जाए क्रोकोडाइल्स की तो एलिगेटर्स आ जाते हैं, क्रोकोडाइल्स आ जाते हैं, गवियाल्स आ जाते हैं और काइमन्स आ जाते हैं। क्रोकोडिलियंस जो हैं आपके पास ये 170 मिलियन ईयर्स की हिस्ट्री में ज़्यादा चेंज नहीं हुए हैं, इनका वही सेम स्नाउट है, ठीक है, एलोंगेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है, और फूड कैप्चरिंग के लिए है साइड बाई स्वीप ऑफ द हेड, और नॉस्ट्रल्स जो हैं इनके वो एट द टिप ऑफ द स्नाउट प्रेजेंट है, ताकि जब ये पानी में डूबे हुए हों या मार्शी एरियाज में डूबे हुए हों तो इनके नथने या नॉस्ट्रल्स बाहर हों तो ये आराम से सांस ले सकें, और जो एयर पैसेजेस हैं जो हेड के वो लीड करते हैं टू द रियर माउथ। जी और इनका जो एक फ्लैप है टिश्यूज़ का जो कि इनकी ज़बान की पीछे साइड पे होता है वो बिल्कुल एक वाटर टाइट सील बना देता है, जिसकी वजह से जब ये पानी में डूबे हुए भी होते हैं तो पानी इनके सांस की नाली में नहीं जा पाता, ठीक है। और फिर इसके अलावा क्या है, इनके पैलेट की जो बोन होती है जिसको हम सेकेंडरी पैलेट कहते हैं वो भी इवॉल्व हुई हुई है आर्कियोसॉरस के अंदर, एंड जो कि आपके पास सेपरेट करती है नेज़ल एंड माउथ पासवेज दोनों को, पैसेजवेज को। इनकी जो टेल होती है वो मस्कुलर होती है, एलोंगेटेड होती है और लेटरली कंप्रेस्ड होती है, और इसकी फंक्शंस हैं ये स्विमिंग के लिए इस्तेमाल होती है, फेंस एंड डिफेंस के लिए, मनूवर्स के लिए इस्तेमाल होती है और अटैकिंग प्रे के लिए, ठीक है। और दांत जो इसके होते हैं वो सिर्फ शिकार को सीज करने के लिए, जकड़ने के लिए होते हैं, और ज़्यादातर ये अपना जो खुराक है वो पूरी की पूरी साले में निकल जाता है, फुली स्वेलो, ठीक है, होल। और अगर इसका प्रे बहुत बड़ा है, ठीक है, तो ये उसको फिर टीयर करेगा, फाड़ेगा बाय होल्डिंग इनटू द लिम्स, ठीक है, लिम्स में पकड़ का और रोटेट करता है फिर उसकी बॉडी को ज़ोर ज़ोर से दाएँ बाएँ छटकता है बहुत ज़्यादा ज़ोर की वजह से, इसकी वजह से वो डिसमेंटल हो जाता है, डिसमेंबर्ड हो जाता है। और इसका स्टमक जो है वो गिजर्ड लाइक होता है, क्रोकोडाइल्स जो हैं वो आपके पास रॉक्स और बाकी हार्ड जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि एब्रेसिव के तौर पे एक्ट करते हैं उसको ये निगल लेते हैं ताकि फूड को इंजेस्ट करने में हेल्प हो सके।
और क्रोकोडाइल्स जो ओवीपैरस होते हैं पेरेंटल केयर भी इनमें होती है। ये जो करेक्टरिस्टिक है ये बिल्कुल पैरेलल है बर्ड्स के साथ, यानी ये दोनों करेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये इस बात की गमाज हैं, यानी नेस्टिंग बिहेवियर और पेरेंटल केयर के इन दोनों का एंसेस्टर सेम था, यानी क्रोकोडाइल्स एंड बर्ड्स का। जी तो बेटे ये जो फिगर है इसमें आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे नीचे से स्टार्ट करते हैं, ये आप देख सकते हैं अमेरिकन एलिगेटर है, ये गवियाल है, ठीक है। और ये अब क्रोकोडाइल्स की तीनों किस्में बता देती हूँ आपको, मतलब तीन तरह के क्रोकोडाइल दिखाए हुए हैं यहाँ पे। वेस्ट अमेरिकन ड्वार्फ क्रोकोडाइल दिखाया हुआ है, एस्चुरीन क्रोकोडाइल दिखाया हुआ है, और आपके पास नाइल क्रोकोडाइल दिखाया हुआ है, एंड ये फोर्थ वन आपके पास ये है जी स्पेक्टेकल्ड कैमन। आप इसमें देखिए तकरीबन बॉडी सबकी सेम ही है ऑलमोस्ट, और वही टेल वही बॉडी, बस ये है कि थोड़ा सा फिजीक में साइज़ में फ़र्क है, और इनके स्नाउट में इनका जो हेड है स्नाउट है उसमें डिफरेंस है, जिसकी वजह से एलिगेटर्स अलग हैं, गिवियाल्स अलग हैं, क्रोकोडाइल्स अलग हैं, और आपके पास कैमन अलग है, ठीक है। जैसे मगरमच्छ हम कहते हैं और घड़ियाल कहते हैं, ठीक है, ये वही चीज़ें हैं, तो सेपरेट हैं, एक जैसी भी हैं लेकिन ये डिफरेंट हैं एक दूसरे से। तो होपफुली आज का लेक्चर जो हम लोगों ने सर्वे कंप्लीट कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह रेप्टाइल्स का आपको समझ आ गया होगा। अब इंशाल्लाह ओवरऑल जनरलाइज्ड वे के अंदर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे एवोल्यूशनरी प्रेशर्स को और जो अडैप्टेशंस रेप्टाइल्स ने ली हैं, क्योंकि हमें पता है रेप्टाइल्स आर द सक्सेसफुल ग्रुप प्रेजेंट ऑन द लैंड, ठीक है। उसके हवाले से इंशाल्लाह तआला कल के लेक्चर में हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे सीरीज ऑफ लेक्चर्स के अंदर। Thank you for your time and your attention. JazakAllah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.